हेलो एवरीवन, चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है, बहुत डल लग रहा है, चेहरे से ग्लो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आज ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज मैं आपको ऐसा उपटन बनाना बताऊंगी जिससे ना सिर्फ आपके चेहरे पे ग्लो आएगा बल्कि आपके दाग धब्बे, झाइयां, पिगमेंटेशन सब दूर हो जाएगा। एंटी एजिंग का भी काम करेगा ये उपटन। हमारे किचन के वो इंग्रेडिएंट जिन्हें हम रोजमर्रा की लाइफ में खाते हैं, जो हमारे पेट के लिए बेहद हेल्दी होते हैं, आज उनसे हम आपकी स्किन को चमकाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए मसूर की दाल। मसूर की दाल आपकी स्किन को पोषण देती है, स्किन से टैन हटाती है, स्किन को साफ सुथरा करती है और ऑयल फ्री करती है। ये एक्सफोलिएटर का काम करती है, आपकी स्किन के लिए बेहद खास है, दाग धब्बों को भी दूर करती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लेने हैं चावल। चावल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन टाइटनिंग के लिए ये बेहद खास है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ ये स्किन पे बेहद ग्लो लेकर आता है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से चावल ले रही हूँ। आप स्किन की कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम पे लाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके लिए हमें फिर अब एक कपड़ा लेना है और उसमें डाल देना है ये दाल। आप चाहें तो कोई भी डिस्पोजेबल टिश्यू भी ले सकते हैं। उसके बाद दाल डालने के बाद आपको उसमें चावल डाल देने हैं। अब ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आपको आगे अभी बताऊँगी। आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी तो पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है, कहाँ कहाँ के लोग हमारी ब्यूटी का डोज फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं। अच्छा, ये टिश्यू पेपर मैंने यहाँ पर दाल और चावल को साफ करने के लिए लिया है, क्योंकि इसमें जो अननेचुरल पाउडर्स वगैरह जो ऐड किए जाते हैं वो पाउडर्स वगैरह साफ हो सके, क्योंकि हमें दाल और चावल दोनों को धोना नहीं है, हमें एक ड्राई पाउडर चाहिए, इसलिए मैंने इस कपड़े से इसको साफ करा है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर बना लेना है। ये पाउडर की कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ना तो पाउडर बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही पाउडर बहुत ज़्यादा मोटा या दरदरा होना चाहिए। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, हल्की दरदरी। अब यहाँ पर इस पाउडर का आपको क्या इस्तेमाल करना है, हम वैसे तो अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा महंगे फेशियल वगैरह ये सब करा लेते हैं, लेकिन उसकी ग्लो और उसकी चमक थोड़े टाइम तक रहती है, उसके बाद वो ढल जाती है, तो हम फिर जाके महंगा ट्रीटमेंट करा जाते हैं अपने फेस पे, लेकिन इसका कितना नुकसान है ये आप खुद नहीं सोच सकते। इस तरीके के ट्रीटमेंट्स कभी कभी कराओ तो अच्छा है, पर डेली हम नहीं करा सकते। तो यहाँ पर हम अपने पाउडर को स्टोर करके एक जार में रख लेंगे ताकि बार बार हमें इस्तेमाल करना बहुत ईजी हो। होम रेमिडीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, हम इन्हें जितनी चाहे जितनी बार यूज़ कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं होते, और ये थोड़ा वक्त ज़रूर लगाती हैं रिज़ल्ट दिखाने में, लेकिन इनका रिज़ल्ट ऐसा होता है जो हमेशा के लिए होता है। अब यहाँ पर हमें लेना है एक आलू। आलू को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इस तरीके के छोटे छोटे से पीसेस में आपको कट करना है, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आलू क्या करता है, आलू आपके स्किन पे जो भी दाग धब्बे वगैरह होते हैं ना उनको दूर करता है। ये डार्क सर्कल के लिए भी पोटैटो जूस बेहद खास है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं लेमन। लेमन आपकी स्किन से जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको हल्का करने के साथ आपकी रंगत निखारता है, आपकी स्किन को मुलायम बनाता है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा पाउडर लेना है जो हमने अभी दरदरा पीसा था। जब आपको यूज करना हो इसे आप तब निकालिए और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करिए। अब उसमें थोड़े से पीसेस हमें आलू के ऐड करने हैं और थोड़े से पीसेस हमें यहाँ पर लेमन के ऐड करने हैं जो अभी हमने कट किए थे, और एक चम्मच यहाँ पर हमें लेनी है फ्रेश क्रीम। जब ये बनके तैयार होगा तो ये एक ऐसा उपटन बनके तैयार होगा कि लाखों के आपके प्रोडक्ट भी इसके आगे फेल हो जाएंगे। इसको सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, मेल एंड फीमेल, यानी लड़के लड़कियां सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद खास है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर उपटन हमारा तैयार हो चुका है, अब बारी आती है इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे इसको यूज़ में लाया जाए। तो चलिए इसको इस्तेमाल करके भी आपको दिखा देते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ले कर यहाँ पर अपने हाथों पे अच्छे तरीके से इसको रब करना है। आप इसका इस्तेमाल अपने फेस पे भी कर सकते हैं, अपने हाथों पे भी कर सकते हैं, अपने पैरों पे भी कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी बॉडी के लिए एक नेचुरल स्क्रब कह लीजिए इसको, या फिर उपटन कह लीजिए, बनके तैयार हो गया है। जब भी आप नहाने जाएं, नहाने से करीब 15 से 20 मिनट पहले इस तरीके के उपटन से अपनी पूरी बॉडी को एक्सफोलिएट करें, उसके बाद नहाने जाएं।
कम से कम हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आप कम से कम 15 दिन में इसका एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स इसके आपको हैंड टू हैंड मिल जाते हैं, आप जैसे ही इसका इस्तेमाल करते हो तो इसके रिजल्ट्स खुद आपको लाइव आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रब करना है 5 से 10 मिनट तक, जितनी भी टैनिंग होगी ये सब हटा देगा, जितनी भी डर्ट्स होगी ये सब हटा देगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखने से ही लग रहा है मेरे हैंड इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, इतने ज़्यादा क्लीन हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने मैनिक्योर कराया हो, बहुत अच्छे से मेरा हाथ क्लीन हो गया था। दूसरे हाथ पे मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था बिकॉज आप लोगों को रिजल्ट दिखाने के लिए, तो दूसरा हाथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों हाथों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो मुझे तो इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग मिलते हैं जब भी मैं यूज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। आप इस उपकरण को बनाएं, ट्राई करें और अपना रिजल्ट्स भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करें कि आपको किस तरीके से इससे फ़ायदा हुआ। और आपकी स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।